राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आप पे जो एमडीयू के इंटीग्रेटेड कोर्स है वो चाहे 3 साल का हो, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें यूजी और पीजी के कोर्स एक साथ होंगे, तो उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होना था आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त को। लेकिन भाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी आपके एडमिशन्स की, वो 29 तक कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद आपकी 29 के बाद आपकी हो गई थी वो आपकी 3 अगस्त तक, ठीक है। तो अब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होगा, किस किस के एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरिट बेस पे किस किस कोर्स का एडमिशन होगा, ठीक है। बीसीए का जो एडमिशन है 3 साल का कोर्स है ये, इसका आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होने वाला है। 5 ईयर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का भी आपका मेरिट बेस पे होगा। उसके बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर का, ये भी आपका मेरिट बेस पे होगा। उसके बाद है बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 4 ईयर का, ये भी आपका होगा भाई। एमए इकोनॉमिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपके कोर्स है, ये आपके होंगे मेरिट बेस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो आपका एंट्रेंस बेस होगा वो होगा आपका भाई, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा शेड्यूल, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपका जो 9 अगस्त को एंट्रेंस होगा वो होगा एमए इंग्लिश इंटीग्रेटेड का 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक, और इसका रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, ठीक है। इसके बाद अगला जो एंट्रेंस होगा वो भी 9 तारीख को ही होगा आपका LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड का, ठीक है। BA LLB है ये, ठीक है। 12:30 बजे से 1:45 तक आपका एंट्रेंस होगा और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और उसी दिन आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, 9 अगस्त को होगा आपका MCOM 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का, ठीक है। ये होगा आपका 3 बजे से लेकर 4:45 तक, ठीक है। ये भी आपका 14 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा इनका। उसके बाद बात करते हैं अगला 10 अगस्त का जो आपका एंट्रेंस होगा वो होगा आपका MSc मैथ्स ऑनर्स का जो है 5 ईयर इसका, ठीक है। 10 बजे से लेकर 11:15 तक आपका एंट्रेंस होगा, 15 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला है आपका 10 अगस्त का है आपका MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का, 12:30 से लेकर 1:45 तक आपका एंट्रेंस होगा, 15 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका 10 तारीख को होगा मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। इसमें आपका 3 बजे एंट्रेंस स्टार्ट होगा, 4:15 तक एंट्रेंस होगा, 15 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपके और कोर्स बच गए जिनका भाई आपका मतलब जो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पंचकूला है वो आपका टेस्ट लेती है, तो उनके भी आपके बताएगा ये कि एक तो बीटेक का है, ठीक है। उसके बाद बीटेक लीट और बी फार्मा और बी फार्मा लीट, इनका जो एडमिशन है वो होगा आपका हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन जो टेस्ट लेती है उसी के बेस पे। तो आज की वीडियो में यही बताना था आपके एंट्रेंस एग्जाम कब कब होंगे। तो होप करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एमडीयू से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।